तो बच्चों जो कंसेप्ट है, आज का कंसेप्ट है ट्राइकोटॉमी। तुम्हें ये पता है ट्राइकोटॉमी? तुम्हें आती है कि नहीं आती, बताओ। ट्राइकोटॉमी का मतलब क्या होता है? जब हमारे पास में दो नंबर्स है, ठीक है, हाँ, लॉग में है, सब जगह होती है ये, तो कहीं भी पूरे मैथ्स में होती है, फिजिक्स में भी आती होगी। तो अब एक दो नंबर है हमारे पास, ए और बी, तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है? ए ग्रेटर देन बी है, ए लेस देन बी है, और या ए, इनमें से कुछ भी है, तो दैट इज नोन एज ट्राइकोटोमी। तो इसको हम बोलते हैं ट्राइकोटॉमी। विशुद्ध दो बेटा, दो दो लॉग इन कैसे आ रहे हैं आपके यहाँ? रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, तो ये हमारे पास ट्राइकोटॉमी। तो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं दिस इज कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, हाँ, रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, तो ये सारी कहानी हमारी होती है ट्राइकोटॉमी। जैसे मैं आपको एक काम करूंगा, सुनो, वर्ड्स में क्या रखा है सीधे वहां, आपको कोई बात पता है कि नहीं पता? तो क्वेश्चन पे बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आता है 3, 5, और हमारे पास है एक log 17 और 25। अब देखो, आपको बताना है कि भाई लेस देन ग्रेटर देन क्या है हमारा, ये पता लगाना है। अब इसके लिए देखो चॉइस दे देते हैं। चलो ए है, बी है, सी है, जो सोचने का टाइम आपके पास है। अच्छा ठीक है, ओके, तो ये ग्रेटर है, लेस है, इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल टू। देखो एक बच्चा कह रहा है फर्स्ट है, एक कह रहा है सेकंड है, हाँ वो 17 है, दिस इज 17 एक्चुअली। चलो भाई, मेरे को लगता है, हाँ पोल दे दीजिए ना, ये सही है ना, आप लोगों का पता तो उससे चल जाएगा, बताओ। चलो सर, कोई बात नहीं, अब आप कर लो। ये तो 50-50 क्लैश हो रहा है अभी। एक बच्चा कौन है जिसने आंसर नहीं दिया भाई? अच्छा ठीक है, चलो भाई अपने 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 रिजल्ट देख लो। ठीक, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैंने क्या किया, लॉग में यहां पर दोनों साइड रूट ले लिया। अब ये बताओ क्या आपको जस्टिस लग रहा है कि इनजस्टिस लग रहा है? अब इनके नंबर तो सेम है, तो जिसका बेस छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। सर इस चांद का क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। देखो मैं बताता हूं, अभी बताते हैं, सुनो। देखो मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि दोनों तरफ 5 कैसे आया? हाँ बिल्कुल सही है,
फिर तो रूट 17 का पड़ा हुआ, सर सीधा रूट कैसे ले लिया? अरे मैं बता बच्चों, देखो यही तो एडवांस की कला है जो आप लोगों को सिखानी है मुझे। एक बार बताओ बच्चों, एक बात बताना, आराम से बताना, आराम से। क्या मैं इसे रूट 17 का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, और 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इस हिसाब से अगर ये न्यूमरेटर में चली गई पावर, ये डिनोमिनेटर में चली गई, तो ये किसके इक्वल आया? हाँ ये तो है ही, हम तो कह रहे हैं। तो आपका जो ये नंबर था, हमने इसको ऐसे लिख लिया, कोई परेशानी वाली बात थोड़ी है। अब एक बार बताओ भाई, 3 की कितनी पावर से 5 आएगा और रूट 17 की कितनी पावर से 5 आएगा, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा? 3 की पावर से 5 लाने वाला नंबर बड़ा होगा कि रूट 17 की पावर से 5 लाने वाला नंबर बड़ा होगा? पक्की बात है यही बड़ा होगा। क्यों क्यों बड़ा होगा? देखो 3 की पावर ये आएगा 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, और ये 4 पॉइंट समथिंग है। आप देख रहे हो रूट 17 का स्क्वायर तो 17 नहीं आएगा, रूट 17 का स्क्वायर कहाँ करा है? ये ऐसा है बच्चे, 17 था और 25 था, तो 25 को लिखा 5 का स्क्वायर, 17 को लिखा रूट 17 का स्क्वायर, तो आ गए ना आपके इक्वल। तो आपको 3 से लाना है 5 और रूट 17 से लाना है 5, तो किस किस वैल्यू से, किस बेस से ज्यादा आंसर आएगा? 3 से 5 ज्यादा आएगा कि 4 की पावर से 5 लाओगे तो ज्यादा आएगा? 3 में पावर ज्यादा आएगी, बिल्कुल 3 की ज्यादा पावर आएगी तो आंसर आएगा, ठीक है, रूट 17 से कम आएगी। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे छोटे मोटे काम भी कर सकते हैं। जिस क्लियर नॉट क्लियर बताओ, जिस जिसको क्लियर नहीं है जल्दी से बता दो, पोल बदलना पड़ेगा, दूसरा पोल चलेगा, बताओ। कई बार मैं आप लोगों पे लोड डाल देता हूँ मुझे लगता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन अब तुम भी शार्प होते चले जा रहे हो। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है बच्चों कि लॉग है 4 है और x माइनस 1 है, ब्रैकेट में है ये, और ये इक्वल टू दे रखा है log 2। एक बार बैक हो जाएगा, अरे बैक अब नहीं हो पाएगा बेटा, ये बहुत सारा लिख दिया ना, पहले हो जाता, चिंता मत करो, कोई और चीज आएगी तब बता देंगे, ऐसी टेंशन लेने वाली कोई चीज है नहीं यहाँ पे। कहते हैं x की वैल्यू निकालो, ठीक है जी, एक्स की वैल्यू निकालनी है यहां से। सर मेरे हिसाब से नॉट पॉसिबल है ये। ओके चलो जी, आपने बता दिया आपकी बात। अब देखो, क्योंकि अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई, मैं सोचा उसका यूज कर लेता हूं। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं या नहीं? जल्दी जल्दी कमेंट करते चला करो तेजी से। जिसको लगता है ना नो, वो जरूर बताओ कि ये क्या है, हम कैसे लिख दें, तो गलत बात है। सही बात है, कैसे? अब ठीक है ना, देखो यहाँ पे 2 से 2 से मल्टीप्लाई करा, तो ये पावर तो चली गई यहाँ और ये पावर चली गई यहाँ, तो आपका आंसर है ऐसे आ गया शिवम, ठीक है। अब दोनों साइड के लॉग का बेस सेम हो गया, तो लॉग का अंत करो तुरंत। श्योर है? दो आंसर आ रहे हैं, एक आंसर आ रहा है, ये चेक करना। नमन, वेरी गुड, ठीक है। यहां से हमने फैक्टर करे, अब देखो एक्स की दो वैल्यू आ रही है बच्चों, -1 है क्या? नहीं, -1 नहीं है, यहाँ पे एक्स की वैल्यूज आई 2, एक वैल्यू आई 2 और एक वैल्यू आई 5,
लेकिन टू वैल्यू यहां पुट करने पे धोखा दे देगी। क्यों धोखा दे देगी बच्चों? क्योंकि लॉग नेगेटिव आएगा जिसकी परमिशन नहीं है। सो टू को करोगे रिजेक्ट एंड योर आंसर इज ओनली 5। समझ में आई बात? नहीं आई? जल्दी 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 बता दो तेजी से। नो वाला बच्चा बताओ कौन है? जीजन तुरंत एकदम चैट बॉक्स में आ जाए करो। नो वाला बच्चा लॉग ऐसे कट जाएगा? नहीं कट नहीं रहा, कंपेयर करा है, कंपेयर करा है मेरे लाल। दोनों साइड के लॉग के बेस सेम थे तो कंपेयर कर लिया बाकी क्वांटिटी को। और कोई डाउट? ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। क्वेश्चन है टू log 2 x माइनस 7 x माइनस 1 log 2 x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, हमें निकालनी है वैल्यू x की। टाइम मिलना चाहिए आपको थोड़ा सा। हाँ जी, हो पा रहा है? शोरे आर्यन बेटा आंसर गलत है। शौर्य तुम्हारा आधा आंसर सही है। बल्कि मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है इस वाले पे। हाँ अब सही है, पहले वाला गलत है। हाँ अब ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने आंसर निकाला है हमारे। सॉल्व करोगे? सर वो स्टार्टिंग का दो क्वेश्चन नहीं, वो बेटा साथ में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है ये तो। अभी तो ये पावर बन गया यहां जाके। ठीक नो एक्स इसे सॉल्व करो। देखो ये आ गया ना आपके सामने, एक बच्चे का आंसर आ चुका है बिल्कुल सही। सर हाँ सर ये x-7 का होल स्क्वायर के
डिनोमिनेटर में ओ अच्छा इसका एक्स वन स्क्वायर है। है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, गलती हो गई बेटा। सर हाँ सर RHS में आपने 2 की पावर 1 कहाँ से आया है? बेटा, ये देखो ऐसे AI, एक काम करो, इस वन को जो है ना तुम्हें लॉग सिखाना है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अच्छा यस सर लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स माइनस वन कट जाएगा बेटा, लेकिन पावर 2 है उसकी। देखो शिवम क्या हो गया तुम्हें, इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात अब आएगी, कौन सा आंसर सही लगता है होगा, 3 है -17? हर्षित कह रहे 3 भी नहीं हो सकता, 17 भी हो सकता। ओके भाई, 3 तो इसलिए नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? 3 को पुट करने पे ये चीज नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, दोनों ही नहीं हो सकते, और -17 से क्या पंगा है वैसे किसी का? 3 तो हो ही नहीं सकता। देखो 3 को आप पुट करोगे एक्स माइनस सेवन और एक्स माइनस वन में, तो नेगेटिव आ रहा है, तो 3 तो गड़बड़ कर रहा है, 3 तो हो नहीं सकता। सर -17 से भी तो यही होगा। चेक करें जरा एक बार, करना जरा एक बार चेक, बताओ। हाँ अच्छा -17। ओके ओके सर। यही तो सबसे अच्छी बात थी। माइनस कैंसिल हो रहे हैं, और ऐसा नहीं सिर्फ वहीं पे चेक करना है, चेक दोनों जगह करके देखना, यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है आपका 17। अब तुम चालू हो गए हो, चालू हो गए तो तुमको एक क्वेश्चन देते हैं, कोमल नंबर नहीं लिख रहा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है? ये बेस में 10 है, फिर मेरे पास 100x है, और यहां पे भी एक 2 है, वहां पे एक 2 है, फिर 10 है, ये करना। क्वेश्चन बढ़िया है सारे, यश जिंदगी बन जाएगी। अब तुम चेक करना, तुम कहोगे क्या CBSE पढ़ते हैं हम लोग, क्यों पढ़ते हैं? ये देखिए, तो सबसे पहले तो इस स्क्वायर की कहानी क्लियर कर दो। दिस इज एक्चुअली होल स्क्वायर, जैसे साइन स्क्वायर होते हैं ना, उसी तरीके से ये होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, log 10 100, log 10x, और इसका आ गया होल स्क्वायर log 10, फिर 10, फिर आ गया log x base 10, 10x, कौन सा 10x, कौन सा 10x? सर पहले वाले होल स्क्वायर वाले ब्रैकेट में। स्क्वायर में 10x कैसे आया? मार्क करना जरा। हाँ सेकंड लॉग में बेटा देखो ऐसा है, x को तो हमने यहां लिख लिया, अरे ये मल्टीप्लाई थे तो इनको प्लस करके नहीं लिख सकते हो? लॉग में जो मल्टीप्लाई होते हैं क्या उनको प्लस करके लिखा जा सकता है या नहीं? ओके सर क्लियर।
है? ठीक है पूछते चलो, ये सही है बिल्कुल सही। स्क्वायर का क्या किया, क्या किया? नहीं स्क्वायर लगा हुआ है इधर, देखो स्क्वायर का कुछ नहीं किया अभी तक तो, अभी तो स्क्वायर एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है अच्छा, अभी मुझे ये लिखने में बहुत आलस आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको लिख लेता हूँ अल्फा। ठीक है, क्योंकि बार बार आ रहा है इसलिए मैंने इसको अल्फा लिख लिया, और ये माइनस आ गया है आगे, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास अल्फा। लॉग 10 की वैल्यू 1 आ गई, फिर आ गया मेरे पास अल्फा, फिर लॉग 100 की वैल्यू 2 हो जाएगी और आ गया अल्फा। हाँ भाई अब बताओ, हो जाएगा? नहीं करो जल्दी से, और मुझे आंसर दो, एक्स की वैल्यूज क्या आ रही हैं आपकी? यहां से आगे तो कर लोगे, नहीं कर पाओगे बताओ? एक्स की एक वैल्यू आ रही है, दो आ रही है। चलो ऑप्शन में बनाता हूँ, सॉल्यूशन आप करो। अब इससे आगे कर पाओगे नहीं कर पाओगे बताओ बच्चों? मैं ये मान के चल रहा हूं इसके आगे तो सॉल्व होगा आप लोगों से। आलस छोड़ो, बिल्कुल छोड़ दिया आलस, हमने अल्फा लिख दिया तुरंत आलस को छोड़ के। तो बात बनती जा रही होगी। हाँ किसी को परेशानी आ रही है तो बेटा चैट बॉक्स में लिखते चले जाना। ओके आर्यन, ऑप्शन बोल दे आपको अभी, चलो पहले लिख लो आप लोग। सेटिस्फाई भी करा के देख लेना, कभी फंस जाओ उस चक्कर में, मैं बीच बीच में बड़ी गड़बड़ कर देता हूँ। एक्स की कौन सी वैल्यू से आएगा कि कौन सी से नहीं आएगा। शिवम ये देखने दे, तुम्हारे सामने सॉल्यूशन तो करा हुआ है मैंने। अच्छा
1.2 आ रहा है। ओके चाहता हूँ, मैं अभी देखता हूँ मेरा ऑप्शन सही ना लिखी हूँ। अरे ये 2 अल्फा कहाँ से ले लिया मैंने, तो अल्फा ही आएगा बस। एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। क्वाड्रेटिक फॉर्म में लगाया। हाँ तो तब भी बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक रही होगी। देखो मैंने क्या करा है शोभित, यहाँ पे भाई स्क्वायर तो ये ले लिया आपका, रोटेट करता हूँ दूसरे कलर से। ये देखो स्क्वायर तो यहाँ आ गया, ये वाला स्क्वायर यहाँ आ गया। जो मल्टीप्लाई में उनको प्लस करके लिख दिया, मल्टीप्लाई वालों को प्लस करके लिख दिया, 1/x को x की पावर -1 लिख दिया, -1 पावर आ गया, आ गई log x बेस 10। हमने अल्फा लिया हुआ, ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, दोनों इक्वल हुए तो 1 हो गया, log 100 आपका 2 होता है आ गया, ये अल्फा आ गया। इसको ओपन करा ओपन करा ओपन करा तो अल्फा की वैल्यू 1 आ रही है और माइनस का 9/2 आ रही है। अल्फा क्या था मेरे पास, अल्फा था log, सर 1 आ गई, 1 तो आ गई, log x बेस 10 था। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लूंगा तो 1 आंसर, और अगर मैं माइनस का 9/2 लूंगा दूसरा आंसर। यहां से कुछ कुछ कलाकारियां स्टार्ट होती हैं, वो देखिए जरा एक बार। 10 की पावर 1। अब आप सब लोग अपने आंसर्स को वेरीफाई करिएगा और देखिएगा कि भाई किस तरीके से। अगर मैं एक्स की जगह 10 लेता हूं तो ये पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये वेरीफाइड आंसर आएगा हमारा। अब दूसरे में देखो, ये 10 एक पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर हो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ रखे पॉजिटिव, यहाँ रखे पॉजिटिव, यहाँ रखे पॉजिटिव, तो आपका ऑप्शन सी सही होता है। बताओ समझ में आई बात, नहीं आई? और अगर नहीं आई तो क्यों नहीं आई, कहाँ नहीं आई, कैसे नहीं? हाँ बहुत बढ़िया, जिसको भी नहीं आई है तुरंत बता दो बेटा, ये मौका आखिरी है, टाइम हमारे पास बहुत कम है, बहुत कुछ है हमारे पास कराने के लिए। 3 बच्चे बेटा आंसर नहीं दे रहे, जल्दी बताओ कौन कौन है। पॉजिटिव की पावर, पॉजिटिव, पॉजिटिव की कोई भी पावर हो, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो पॉजिटिव ही आएगी। ये बात मैं समझा देता हूँ अभी आपको, ठीक है सर? वो अच्छा चलो देखो एक बात बताओ, इसको लेके प्रॉब्लम है ना, इसे अपॉन में ले जाओ, अब तो पॉजिटिव आएगी, माइनस दिख ही नहीं रहा ना कहीं पर, तो प्लस की तो किसी भी पावर पर लो आप, यही आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? चलो और बनाते हैं क्वेश्चन, एक आपके लिए एक और बढ़िया क्वेश्चन देते हैं। भयंकर क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन देखने में थोड़ा अजीब लग सकता है आपको। अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना जैसे लिखा जाए क्वेश्चन। log 5 है, बेस में 5 है, और हमारे पास फिर log 6 आया base 5 में। अगर हम अलग करके नहीं करते तो, मैं समझा नहीं बेटा, अलग करके नहीं करते किसको बेटा, किसको अलग नहीं करते? चलो x की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों आपको। सर
सर वो माइनस लॉग फाइव, वो 5 या 6 है? ये तो मैं बताता हूँ, ये 5 है और ये 6, और वो सर रूट रूट फाइव से फाइव पहले ये यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, मैं यहाँ बड़ा सा ओके सर। ये ऐसे है। इस क्वेश्चन में तुम्हारे को एक ऐसी बात बताएंगे जो शायद बच्चे बेटा बहुत कुछ पढ़ाई कर जाते हैं, बहुत कुछ मतलब बीएससी एमएससी भी कर जाएंगे तब भी ये बात पता नहीं होती। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी ऐसी बात पता लगेगी। बेटा बहुत किताबें पढ़ी है बहुत, कभी घर पे आना तब पता चलेगा, बताता कोई नहीं, ऐसी बातें तो नहीं बताता कोई, ये तो मैंने देख लिया। थोड़ी बहुत बातें तो बताई जाती है लेकिन ठीक है। अब दोनों के बेस 5 हैं और माइनस है तो एक साथ लिख लिया, अब 5 की पावर 5 यहां तक हो गया था, बहुत अच्छी बात है आर्यन, इस बात के लिए आपको सैल्यूट। क्यूब कर लो, ओके क्यूब कर लो, किसका क्यूब कर लो? मैं सजेशन दूंगा कि जो चीज दिक्कत है उसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर तो बन जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस 125 इक्वल टू 5। ओके सो इसे अल्फा स्क्वायर लेते हैं और इसे लेते हैं अल्फा, ये 1 1 अपॉन 2x को लेते हैं, 5 की पावर 1 अपॉन 2x को लेते हैं। 6 कहाँ गया? 6 6 आ गया, आ गया 6 आ गया, चिंता की कोई बात नहीं, 6 ले लिया हमने बेटा। 5 की पावर 1 अपॉन 2x को अल्फा लिया और दोनों साइड का स्क्वायर करा तो 5 की पावर 1 अपॉन x आया जिसे अल्फा स्क्वायर लिख सकते। तो अब ये बन गया अल्फा स्क्वायर 125 5 6 और यहां पर आ गया मेरे पास अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर 30 अल्फा। देखो क्वेश्चन कहाँ पहुंच रहे हैं, ना इसमें 11th है ना इसमें 12th है क्या इसमें, सिंपल सी आपकी 10th, सिंपल सी 10th, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास। ठीक है अब अल्फा क्या था आपके पास, 5 की पावर 1 अपॉन 2x, ठीक, और ये है 5 की पावर 2, तो 1 अपॉन 2x आपके पास 2 आ गया और x की वैल्यू आ गई। अभी मैं इसके ऑप्शन दूंगा, पोल कराएंगे यहाँ पर आपके साथ। अब मैं ऑप्शन देता हूं तो हमारा आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, और इसी में आएगी आज जो सिखाई जाने वाली है एक और ऐसी बात,
जिसे आप शायद याद रखेंगे नाम के साथ में, सर ने बताई थी। पहला आंसर है 1/4, 1/2, दूसरा आंसर है 1/2, तीसरा आंसर है 1/4, चौथा आंसर है। पोल करा लेते हैं, पोल करा लेते हैं और पूछ लेते हैं जी क्या रहा है इसका। अब तुम फंस गए, तुम्हें लग रहा है यार ये क्या आफत है, कुछ तो लफड़ा है, कुछ तो झमेला है। ओके मैं, दो ही बच्चे आंसर दे रहे हैं, क्या हुआ बाकियों को? तो सॉल्यूशन के बारे में आंसर नहीं दे रहे, ये कैसे बच्चे हैं? जिसे ना आता हो वो पोल का क्या रिप्लाई करे, आप अपने हिसाब से वहां पे क्या रिप्लाई करके आते वो यहाँ रिप्लाई करो। भाई मान लो आपको कोई सॉल्यूशन दे देता है और आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, बोर्ड में भी तो आपको 50% ऐसे मिलेंगे क्वेश्चन MCQ। भाई तीनों बच्चे आंसर दो जल्दी से, तीन बच्चों ने आंसर नहीं दिया अभी तक, जल्दी रिप्लाई करो अपना, जो भी है कर लो, इसमें कौन सा सही गलत की बात हो रही है, जो आपको क्लिक करना है आप करो। अगर मैंने कुछ बोला ना होता ना तो अब तक सब कर देते। चलो बहुत बढ़िया, रिजल्ट देख ले लो, आप लोग शेयर कर लो भाई, ये आप लोगों ने आंसर दिया है। सर क्यों परेशान कर रहे हो, अभी रहते हैं ठीक है भैया, आपका आंसर है। अब सुनो बात, बात आती है, बात है आठवीं क्लास की। आठवीं क्लास में आप लोगों को सिखाया गया था कि जैसे रूट टू होता है तो इसका मतलब होता है 2/1/2, ठीक है। अगर हमारे पास 2 है और यहाँ 3 लिखा हुआ है तो ये होता है 2/1/3, ठीक है। ऐसे अगर यहाँ पे n लिखा होता तो ये हो जाता 2/1/n, तो इसे हम nth रूट बोलते हैं। दिस इज nth रूट। लेकिन अगर मान लो कहीं पे ऐसे लिखा होता तो 2/0.5, तो क्या इसका मतलब 2/2 हो जाएगा? नहीं, यहां मैथमेटिक्स फेल होता है अगर हमें ना पता हो तो। एक्चुअली ये रूल तब एप्लीकेबल होता है जब n की वैल्यू इंटीजर हो और 2 से ग्रेटर हो, नेचुरल नंबर हो और 2 या 2 से ग्रेटर हो। क्योंकि अगर कोई ये कहने लगे कि यहां -1 लिखा है तो इसका मतलब 1/2 नहीं है, तो nth रूट सिर्फ तब एप्लीकेबल होता है बच्चों, ये 1/n सिर्फ तब होता है, ये तब एप्लीकेबल होता है जब n की वैल्यू पहली बात नेचुरल नंबर हो, दूसरी बात ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो। अब मेरे तो दोनों ही आंसर नेचुरल नंबर नहीं है, तो आंसर होगा इसका डी, क्योंकि क्योंकि यहां हम पुट कर ही नहीं पाएंगे। और अब आती है आज की नंबर वन बात, सिर पकड़ के बैठोगे तुम, अगर क्वेश्चन ये दिया है तो दोनों आंसर है और अगर ये दिया है तो नन आंसर है। सोचो आप, अगर क्वेश्चन ये दिया है तो आंसर दोनों माने जाएंगे यस, और अगर ये दिया है तो नन माना जाएगा, क्योंकि यहां कंडीशन nth रूट की अप्लाई होंगी, यहां चलेगा nth रूट।
और ये आ गया तो यहाँ nth रूट की टेंशन नहीं है, यहाँ अलाउ है, यहाँ चलेंगे आपके 1/4 1/2। अब ये बताओ ये बात हमें आज तक पता थी या नहीं पता थी, और लास्ट वाली बात पे बताओ भाई, ये करके अगर ये आ गया तो सर हम इसे कन्वर्ट क्यों करा। सुनो कन्वर्ट तो कर सकते हैं एनएच रूट में भाई, ये कन्वर्जन तो होता ही है, आप रूट टू को लिख सकते हो, कन्वर्जन कर सकते हैं लेकिन विद कंडीशन, कन्वर्जन के साथ में कंडीशन भी तो अप्लाई होती है। तो ये जब हमने कन्वर्ट करा था तो इसकी कंडीशन थी, लास्ट में हमने चेक कर लिया कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो बात खत्म हो गई। मैंने कहा था ना ये ऐसी बातें नहीं पता होती। शाबाश ट्रैक्टर खुश हो गया। यस किसी को भी कुछ पूछना है अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो बेटा, कोई भी बात हो। सर एक बार फिर से लिख दो प्रॉपर्टी अलग वेरिएबल लेके। सर ये बातें नोटिस नहीं करता कोई। बेटा मैंने ये जो बात लिखी है ना ये nth रूट, लो यार मैं अलग से लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ एक मिनट, बच्चे कहने से इसे अलग से लिख दो। शोर नमन कहाँ गया, नमन बताता है अच्छी अच्छी बात है। नमन बेटा तुम तो बहुत डेप्थ में स्टडी करते हो, ये नोटिस करी चीज कभी, ये होता है बट जब n की वैल्यू नेचुरल नंबर हो और n आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो। प्लीज नो मैं तो ये कह रहा हूं ना, आप इसे ऐसे सोचो कि ये है और 2 की पावर 0.25 है, तो ऐसे तो ये घोटाला हो जाएगा बहुत बड़ा। क्यों ये हो जाएगा 2 की पावर 1/4 मतलब 2 की पावर 4 16 हो जाएगा क्या, ये क्या इसे हम 16 मान सकते हैं। बस तो ये कंडीशन तो भाई अप्लाई करनी पड़ेंगी नहीं करनी पड़ेंगी। शिवम समय में आई बात नहीं आई, बता अब बताओ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और बनाते हैं आपके लिए बढ़िया से ऐसे। वो जो लास्ट वाली बात थी ना, अगर क्वेश्चन 1/x में है तो बहुत सही चीज थी वो, कि 1/x में आ गया तो क्वेश्चन सही है, और अगर एन एस रूट लिख के आ गया तो गया बस हमारे हाथ से। ठीक है अब है हमारे पास क्वेश्चन x की पावर 1 log x/10 equal to 10x। कहते हैं भाई इसको सॉल्व करो। वॉइस सही नहीं आ रही है, वॉइस सही नहीं आ रही है। देखो एक तो क्या है कि अगर अगर वेरिएबल है कोई कि पावर में वेरिएबल है, भाई बच्चे बता रहे हैं बेहतरीन वॉइस आ रही है, और इक्वल टू है समथिंग, इक्वल टू समथिंग है, तो ऐसे में दोनों साइड का लॉग ले लो तो बात बन जाएगी। चलो लेके दिखाते हैं आपको, और बेस को जब तक जरूरत ना हो ना तब तक लिखना मत, क्योंकि पता नहीं कौन सा बेस काम में आ जाए। जैसे अभी मैंने यहाँ पे छोड़ी हुई है बेस की जगह, तो बेस हम वो लेंगे जो हमें मदद करेगा। ये पावर आ जाएगी, आप देखो आप लोगों ने खुद बता दिया ना बेस 10 ले लो, भाई आप लोगों को दिख रहा है कि बेस 10 ही सबसे ज्यादा मदद करेगा तो उठा लो बेस 10 ले लो।
अब लॉग इसको ले लेते हैं अल्फा, ये अल्फा हो गया, फिर अल्फा हो गया, आंसर भी यही है। ओके चेक करेंगे भाई आंसर तो। तो 1 प्लस अल्फा कॉमन आ गया और आ गया अल्फा माइनस वन, तो अल्फा की वैल्यू माइनस वन और प्लस वन। अल्फा क्या है? बेस 10 है, तो एक बार आंसर बनेगा 10 की पावर माइनस वन, एक बार बनेगा 10 की पावर 1। तो 1/10 की पॉसिबिलिटी और 10 की पॉसिबिलिटी। अब यहां से हम पूछना चाहेंगे कि भाई आंसर पोल के अकॉर्डिंग बताओ 1/10 है कि 10 है या दोनों है या कोई नहीं है। थर्ड स्टेप एक्सप्लेन कर दो। ये मल्टीप्लाई में थे, प्लस करके लिख दिए, ठीक है, लॉग मल्टीप्लाई वाले प्लस करके हो जाते हैं। ये पावर आगे चली गई तो ये आ गई, बाकी लॉग एक्स बचा। पोल तो 1 मिनट पोल देते हैं, पोल चला चला पोल चला, चल गया पोल। ओहो हाँ ठीक है ठीक है सही है। अरे ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, वो आ रहा है सही पर। 4 बच्चे खा रहे हैं भाई, सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं तब भी कंफ्यूजन है, ये क्या बात हो गई। एक बच्चा अभी भी सोच रहा है कौन है भाई। हाँ ठीक है, लो भाई अपने सॉल्यूशन, अपना पोल देख लो पहले। तो ये आप लोगों ने दिया है, अब 5 तो है सी में, 5 है अलग। एक सेकेंड सर, डी नहीं है क्या? अभी बता रहे हैं, बता रहे हैं डी किसने नहीं दिया। एक्चुअली देखो ये दोनों ही पॉजिटिव है वैसे। अब यहाँ पे पॉजिटिव नंबर रखो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव रखो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव रखो कोई दिक्कत नहीं। प्लीज गिव मी मार्कर फॉर डाउट। ओके मार्कर लो जी, चलो करो मार्कर, चलो। आदिन तुमसे थोड़ी पूछा है, तुम्हारा आंसर ने पढ़ लिया। शिवम बताओ भाई कहाँ दिक्कत है, जल्दी। क्या हुआ? ये तो पावर थी आगे आ गई। अच्छा ये पहले तो दोनों साइड का लॉग लिया है, इधर भी लॉग लिया, इधर भी लॉग लिया, ये हमने दोनों साइड का लॉग लिया है। अरे माउस से करो ना, माउस से लेफ्ट जो सर ड्रैगिंग वाला होता है। फर्स्ट फर्स्ट स्टेप में x की पावर 1 प्लस log 10x को x into x की पावर log 10x अगर लिख देगा तो सर x x कट जाएगा दोनों साइड से, वैसे भी हो सकता काट काटना नहीं है, काटना काटने में तो बहुत झमेला है, कट तो यहाँ पे भी रहता। देखो सुनो, अगर तुम यहाँ पे ये काट देते तो, अगर ये काट देते तो क्या समस्या है थी? दूसरी वैल्यू नहीं आती। हाँ रूट लॉस हो जाता है उसे। ठीक तो बेटा सर मुझे आंसर ये है, हाँ बोलो। अल्फा अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा और ये -1 -1 प्लस अल्फा कैसे हुआ? इस ब्रैकेट को उधर ले गए पूरे को, तो ये उधर जाके नेगेटिव का हो गया, ये नेगेटिव आ गया, ये पूरा ब्रैकेट आ गया, और ये पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ये दोनों तो मल्टीप्लाई में थे ना, तो ये डिवाइड में क्यों नहीं गया? डिवाइड में क्यों जाएगा ये उधर? अच्छा डिवाइड में जाते तो यहाँ 1 बचता फिर। अगर डिवाइड में जाते या कैंसिल कर देते तो यहाँ 1 बचता। अब कहोगे ऐसा क्यों नहीं करा? ऐसा इसलिए नहीं करा क्योंकि ऐसा करने से रूट लॉस हो जाता है। सुनो कभी भी अगर x² = x लिखा हो तो x की वैल्यू 1 लिख दे ही आंसर गलत हो जाएगा। आपको हमेशा क्या करना चाहिए, क्वाड्रेटिक है ना तो 2 आंसर लाने हैं आपको,
तो ये यूज करना है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया बेटा? हाँ सर समझ गया। ठीक है ठीक है। हाँ भाई अब बात ये आती है कि ऑप्शन में इतने कंफ्यूजन क्यों भाई? लॉग है नेगेटिव अलाउ नहीं करता, बेस में वन अलाउ नहीं करता, तो यहाँ पे क्या परेशानी थी? यहाँ पे पॉजिटिव नंबर डाल दो, 1/10 डाल दो, यहाँ डाल दो 1/10, यहाँ डाल दो, हमें क्या परेशानी है 1/10 से? 10 डाल लो तब भी कोई परेशानी नहीं, ना 10 से प्रॉब्लम है ना 1/10 से प्रॉब्लम है, तो सी इज आंसर। अब हर चीज अकाउंट में होगी वो परेशान करेगी तो वो तो है ही नहीं, और एनएच रूट वाला झमेला यहाँ पे था ही नहीं, तो हम एनएच रूट वाली दुनिया में क्यों पहुंच गए? समझ में आई बात नहीं आई? चलो पूछ लेते हैं भाई, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे एक क्वेश्चन और देते हैं आपको अभी। ये नौ वाला बच्चा कौन आया? जो दुनिया नहीं पूछे, जो आईआईटी पूछेंगे, सब 1/10 रख के देखी क्वेश्चन में, तो क्या दिक्कत आ गई 1/10 रख के देखी? भाई 1/10 रख के देखी तो क्या दिक्कत आई? रखो हम तो ये देख रहे हैं 1/10 है, ठीक है जी, इसकी पावर क्या है? लॉग है, 10 है, 10 की पावर -1 है, ठीक है, ये 10 है, ये 1/10 है, देखते जाना तुम जरा, यहाँ से -1 आया तो 1/10 की पावर कितनी आ गई? 0। राइट से क्या रहा है? 1, 1 = 1, 0 = 1 कैसे लिया है तुम? 1 = 1 ही तो आ रहा है। हाँ बोलो सर, अगर सेकंड स्टेप जो है वो अगर क्वेश्चन होता तब 1/10 नहीं हो पाता ना। सेकंड स्टेप अगर क्वेश्चन होता तो 1/10 नहीं हो पाता, क्यों? वैसे तो हम ओरिजिनल को चेक करते हैं, बट फिर भी चलो। हाँ क्या दिक्कत सर? क्योंकि इक्वल टू के बाद जो साइड है उसमें लॉग 1 आ रहा था, तो लॉग 1 0 होता है, क्या परेशानी है भाई? लॉग 1 की वैल्यू तो हमें निकालनी आती है, लॉग 1 0 है। अच्छा ठीक है सर, है ना, लॉग 1 तो अलाउड है ना, लॉग 0 अलाउड नहीं है, लॉग 1 अलाउड है। चलो जी एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 5 की पावर 1 + log 4x + log 4x = 25 by 26 एक क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। करोगे कोशिश? तो दो बच्चे कहां भाग गए आज? ये कटिंग में क्या लिखा है? 26 लिखा हुआ है, रुक जाओ अभी करते हैं सही। लॉग पावर में है, यस।
ओके आंसर आने स्टार्ट हुए। आंसर सही है क्या? बिल्कुल सही आंसर है, x इक्वल टू वन आंसर आ रहा है बच्चों, और आप इसे बहुत इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इसमें पावर को अलग अलग लिख सकते थे आप लोग, और मुझे बहुत बस वन ही है, बिल्कुल वन ही है इसका आंसर और कुछ नहीं है। और मुझे बहुत मतलब सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि आप लोग अब लॉग की इक्वेशंस को कर पा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा अल्फा हो जाएगा, फिर हमारे पास अल्फा अपॉन फाइव आ जाएगा, और इसे सॉल्व कर लोगे तो आपके पास में वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें बच्चों? बताओ, इज दिस क्लियर? आंसर वन है इसका। कोई बच्चा जैसे परेशानी हो रही है उसमें तो बता दो मुझे। सर जहां आपने सर्कल किया है वहां मैंने उसको कॉमन ले लिया था, तो मेरा ब्रैकेट में 5 की पावर लॉग। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, कॉमन ले लो और वो आ जाएगा डायरेक्ट यहां से अल्फा कॉमन लेके। ये भी तो इतना ही आएगा, 26/5 ही आ रहा है ये, है ना? ये यस सर, यहां से अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। अल्फा हमने किसको माना है? 5 की पावर 4, ये सब। अच्छा, इस 1 को भी आप क्या लिख सकते हो? 5 लिख सकते हो, लॉग लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, इस तरीके से बनाया जा सकता है, या डायरेक्ट ही कर लो तो भी आपका हो जाएगा। एक बच्चे ने नहीं बताया अभी, और अगर ऐसे समझने में दिक्कत आ रही होगी तो ये लीजिए आपके सामने है, ऐसे हमारे पास। ठीक है, तो 1 को क्या लिख सकते हो? 5 की पावर 0 लिख सकते हो, तो आ गया log 4x 0, तो x इक्वल टू आ गया 4 की पावर 0, मतलब 1। कैसे भी करो, जैसे मन कर रहा है करो, बहुत ऑप्शन है। अब तुम देख रहे हो कैलकुलेशन के बहुत तरीके आपके पास आते जा रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई भी बताओ बच्चों? कुछ बात बन रही है?